हमें एलोवेरा प्लांटेशन के बारे में पूछा है। ठीक है, अगर आप कमर्शियल प्लांटेशन कर रहे हैं तो बात अलग, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे हमारे ये नीम का पेड़, ठीक है, हमारा नीम का ये 2.5 साल पुराना पेड़, इसके नीचे आप देखेंगे कि हमने एलोवेरा लगाया। आप यहाँ पर देखिए, जितने भी नीम के पेड़ सब पे हमने एलोवेरा लगाया, ठीक है, और एलोवेरा ग्रोज वेरी वेल एज अ कंपेनियन प्लांट। लोग सोचते हैं कि सिर्फ मेड़ों पे आप लगाइए इसको कमर्शियल प्लांटेशन के लिए, ओपन खेत में लगाइए, ओपन धूप में लगाइए, ऐसा कुछ नहीं। आप देखोगे हमारे यहाँ पर जितना एलोवेरा उग रहा है सब शेड में उग रहा है। ये हैंडपम्प है हमारा, ठीक है, और ये हैंडपम्प से ही हम पानी लेके यहाँ पे एलोवेरा को देते हैं। तो इससे क्या होता है, आप तो एक तो आपको स्पेस बचती है ना, और दूसरा क्या है, वैरायटी आती है, बायोडाइवर्सिटी आती है। एलोवेरा पे अलग तरीके का इंसेक्ट आता है, नीम के ऊपर अलग टाइप के इंसेक्ट्स आते हैं, है ना, ऊपर फिर बर्ड्स भी बैठती हैं, बर्ड्स है, बीटल्स है, फिर उनकी जो एक्सक्रीशन, जो एक्सक्रीटा होता है वो भी नीचे मैन्योर बनता है, एंड इट एड्स टू द न्यूट्रिशन ऑफ द सॉइल। सो एलोवेरा एज अ कंपेनियन प्लांट अलॉन्ग विद ट्री प्लांटेशन वर्क्स वेरी वेल।